ये कहानी है हमारे हीरो चेंगशिन की, जिसे 14 साल की उम्र में ये पता लगता है कि वो 20 साल होने के साथ मरने वाला है, क्योंकि जन्म से ही उसकी बॉडी में एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है। पर चेंग इस बात को मानने को तैयार नहीं था और वो अपनी किस्मत बदलने निकल जाता है, जहां सफर में न केवल वो अपनी किस्मत को बदलता है बल्कि अपनी कल्टीवेशन जर्नी को कम्प्लीट करके एक इमॉर्टल गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आइए साथ में चेंग की इस स्टोरी को विटनेस करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने लिए खाना कलेक्ट करने आया था, पर तभी मौसम अजीब से तरीके से बदलने लगता है, साथ ही उसे नदी में एक छोटा सा बच्चा नजर आता है। तो उस बच्चे को अकेला देखकर वो उसे रेस्क्यू कर रहा था, पर तभी पानी के अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन निकल कर दोनों पर अटैक कर देता है। वैसे तो ये ड्रैगन उस छोटे बच्चे के लिए आया था, पर यूरेन उसे उस बच्चे को हाथ लगाने नहीं देता। यूरेन बचपन से ही एक डिसेबल बच्चा है जिसके पास एक हाथ नहीं था, और वहीं वो अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाता। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी उस ड्रैगन का सामना बहादुरी से कर रहा था। तो अब ड्रैगन ये देखने के बाद उन दोनों पर आग फेंक कर अटैक करने लगता है, पर तभी उसी वक्त वहाँ यूरेन के मास्टर आ जाते हैं जो उस ड्रैगन के फायर अटैक को अपने वाटर वॉल से रोक देते हैं। वैसे तो मास्टर की पावर देखने के बाद वो ड्रैगन बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन फिर भी वो मास्टर को मारने के लिए उसके आसपास घेरा बना लेता है। ये देखकर यूरेन तो बुरी तरीके से डर गया था, इससे पहले कि वो ड्रैगन मास्टर पर अटैक कर पाता मास्टर एक स्पेल पढ़ने लगते हैं, और ये स्पेल पढ़ने के बाद वो ड्रैगन चुपचाप उनकी बात मानता हुआ वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन के वहाँ से जाने के बाद यूरेन और मास्टर भी अपनी झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और 14 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अब तक यूरेन और हमारा वो छोटा बेबी जिसका नाम चेंगशिन है वो काफी बड़े हो चुके हैं, और बचपन से मास्टर ही उन्हें संभालते और सिखाते आए हैं। इन 14 सालों में मास्टर ने लगभग इन बच्चों को 13,000 बुक्स रटवा दिए हैं, जहां यूरेन को तो बुक्स पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे चेंग को प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो तो बुक पढ़ते पढ़ते काफी बोर हो गया। तभी उन दोनों की नजर संदेश लाए हुए उस पक्षी पर पड़ती है। जब मास्टर उस परिंदे के लाए हुए लेटर को पढ़ते हैं, तो वो अपने दोनों स्टूडेंट को अपने सामने बुलाकर कह रहे थे कि सालों पहले उन्होंने एक पर्सन की जान बचाई थी, तो उसने कहा था कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ उनकी बेटी की शादी करवा सकता हूँ, तो अब वो वक्त आ गया है जब उनकी शादी करवानी है, तो तुम दोनों में से कौन चाहता है शादी करना। यूरेन का एक हाथ नहीं था और वो सही से बोल नहीं पाता, तो वो तो मना कर देता है। तो अब ना चाहते हुए भी चेंग को शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, और आज से शु यूरोंग उसकी फियांसे बन जाती है। उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ाया जाता है, साथ ही वो परिंदा भी एक न्यूज लेकर वहाँ से चला गया था। अब इसके बाद मास्टर उन दोनों को बुक स्टोर में लेकर आते हैं। यहाँ वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने 3,000 बुक्स को अच्छे से रीड कर लिया है, तो वो लोग कहते हैं हाँ। तो अब मास्टर अपने पास एक स्क्रॉल निकाल कर दिखाते हुए कहते हैं कि ये उन बुक्स का लास्ट वॉल्यूम है। वैसे इस स्क्रॉल को ओपन करने के बाद इसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी थी जो उनमें से किसी को समझ नहीं आती, पर मास्टर बताते हैं कि इस स्क्रॉल में ऐसी जानकारी है जो इस पूरे अर्थ और हेवन को कनेक्ट कर सकती है, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो वो लोग सोचते हैं शायद मास्टर को बताओ, पर मास्टर कहते हैं मैं भी नहीं। इसके बाद तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, पर मास्टर कहते हैं कि उन्हें पता है कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो मास्टर उन्हें कह रहे थे कि मेरे पीछे पीछे दोहराओ जो भी मैं कहता हूँ। वो लोग ऐसा ही करते हैं, पर वर्ड्स को दोहराते टाइम पे यूरेन को याद आता है कि इनमें से एक मंत्र मास्टर ने उस ड्रैगन को भगाने के लिए बोला था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में चेंग को दिखाया जाता है जो खाना कलेक्ट करने गया था, पर यहाँ वो अपने फियांसे शु के बारे में सोचने लगता है कि वो उसे 3 दिन छोटी है, कैसी होगी वो देखने में। इसके बाद तो वो खुद को संभालते हुए यूरेन को बोल रहा था अपने साथ वापस चलने को, तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है, और यहाँ चेंग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है। जब यूरेन उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। इसके बाद तो रात हो गई थी और यूरेन चेंग को ले जा रहा था अपने साथ, पर उसकी बॉडी ग्लो करने की वजह से काफी सारे बीस्ट उन पर अटैक कर देते हैं। इस बीच चेंग को थोड़ा सा होश आ गया था और वो यूरेन को कहता है यहाँ से भागने को, पर यूरेन अपने छोटे भाई को अकेले ऐसे मुसीबत में छोड़ के नहीं जाना चाहता था, तो वो उन बीस्ट को अपने हिसाब से रोकने की कोशिश करने लगता है, पर अपने एक हाथ की हेल्प से वो ज्यादा देर तक उन्हें हैंडल नहीं कर पाता और वो खतरनाक बीस्ट चेंग और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। पर इससे पहले कि वो बीस्ट उनका कुछ बिगाड़ पाते, तब तक वहाँ मास्टर आ जाते हैं। मास्टर अपने थंडर अटैक से उन सभी बीस्ट को वहाँ से भगा चुके थे। इसके बाद तो वो चेंग पर भी एक स्पेल करके उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर ने चेंग की बॉडी को अच्छे से जांच लिया था, और अब वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी के मेरिडियंस को चेक किया जो 9 हिस्सों में बटे हुए हैं। तो चेंग उससे पूछता है कि क्या ये पहाड़ से गिरने की वजह से हुआ है, लेकिन मास्टर उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जन्म से ही उसकी बॉडी ऐसी है, यहाँ तक कि उसकी सोल पावर भी कभी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, और ये अजीब तरीके की बीमारी है जिसे मास्टर भी क्योर नहीं कर सकते। इसलिए वो बताते हैं कि वो 20 साल का होने के बाद मर जाएगा, उसे ज्यादा उसकी जिंदगी नहीं लिखी। ये सुन के तो चेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज से 6 साल बाद वो मर जाएगा। मास्टर उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो मास्टर को रोककर पूछ रहा था कि क्या वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता। मास्टर कहते हैं कभी भी नहीं, पर ये सुन के चेंग हार मानने वाला नहीं था, तो वो मास्टर से कहता है कि मैंने स्क्रिप्चर में पढ़ा है कि हम स्काई के खिलाफ जाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, क्या ये बात सच है। तो मास्टर कहते हैं हाँ ये सच है, पर जैसा चेंग सोच रहा है कि वो अपनी किस्मत को बदल देगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर चेंग अपने फैसले का पक्का था, वो कहता है कि इतिहास में ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मत बदली है, मैं उन जैसा महान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता,
मैं हार नहीं मानूंगा। पर मास्टर उसे बाहर के खतरे से बचाने के लिए मना कर देते हैं कहीं भी जाने से उनकी परमिशन के बिना। इसके बाद मास्टर चैंग को रात को आराम करते देखकर कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने चले जाते हैं। चैंग असल में सोया नहीं था, वो जाग रहा था। उसे बाहर की दुनिया में जाना था अपनी किस्मत बदलने, और ये बात यूरेन अच्छे से समझता है, इसलिए वो उसका सामान लाकर उसे अपनी स्वॉर्ड देकर वहाँ से जाने को कह देता है। तो चैंग ये देखकर कि उसका भाई उसके साथ है, खुश होकर वहाँ से अपने सफर पर चला गया था। पर थोड़ी दूर जाने पर वो एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। पर थोड़ी ही देर में उसे ये बात पता लग गई थी कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि मास्टर का है, जो उसे बाहर जाने से रोकने के लिए फॉर्मेशन बनाए थे। तो वो पहले तो मास्टर को सॉरी बोलता है कि वो उनकी परमिशन के बिना बाहर आया, लेकिन वो मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे जाने दे, उसका मन है, वो एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। तो ये सुनने के बाद मास्टर उसे एक टेस्ट देने को कहते हैं, जिसके बाद वहाँ की जमीन फटकर वहाँ से एक दरवाजा बाहर आता है और दो कंकाल जैसे क्रिएचर चैंग पे अटैक कर देते हैं। पर उसके अपनी बात पर अड़े रहने से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वो क्रिएचर गायब हो जाते हैं। और फिर स्मोक के हटते ही हमारा चैंग वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ उसके मास्टर उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने मास्टर को फाइनल गुड बाय करने जाता है और ये भी कहता है कि उन्होंने इस इल्यूजन के जरिए उसे बहुत कुछ सिखाया कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। यहाँ मास्टर उसे बताते हैं कि पहले तुम कैपिटल में जाना और वहाँ के एकेडमी में 6th एग्जाम को क्लियर कर लेना, जिसके बाद तुम्हें हेवनली बुक देखने का मौका मिलेगा। हो सकता है उसमें तुम्हारी बीमारी को क्योर करने का रास्ता लिखा हो। और इसके बाद मास्टर उसे हमेशा के लिए गुड बाय कर देते हैं। चैंग भी अपने मास्टर को गुड बाय करते हुए रो रहा था और आज तक उस पर किए सभी एहसानों के लिए शुक्रिया बोलता है। इसके बाद हमें चैंग शेन को कैपिटल सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ वो एक आदमी से शेंग जियान मेंशन जाने का रास्ता पूछ रहा था। तो वो आदमी कहता है कि यूदाओ स्ट्रीट का सबसे बड़ा घर है, तुम वहाँ जाओगे तो पहचान जाओगे। मेंशन पहुँचने के बाद वो गार्ड को जेड का एक आधा टुकड़ा दिखाता है, जिसके बाद गार्ड उसे अंदर ले जाते हैं। वहाँ उससे मिलने एक लेडी आती है और पता लगता है कि ये शुयोंग की मॉम है। वैसे तो चैंग यहाँ शादी के लिए मना करने आया था, इसलिए वो सर्टिफिकेट वापस करने लगता है। पर शु की मॉम को लग रहा था कि इसे शादी की इतनी ज्यादा जल्दी है कि अपनी वाइफ को लेने आया है। ये बात वो उसे कह भी देती है कि तुमने अभी तक हेवनली बुक को नहीं पढ़ा और तुम सीधा अपनी वाइफ से मिलने आए हो। वैसे मैं बता दूं, मैं इस शादी को ग्रांट नहीं कर सकती। तो चैंग, जो कि पहले से इसी इरादे से आया था, वो कहता है कि क्यों। तो वो लेडी बताती है क्योंकि तुम और तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा गरीब है और पहाड़ों पे रहते हैं, जबकि हमारी बेटी डिवाइन जनरल की इकलौती बेटी है, जो कि बचपन से ही सोने की चम्मच पर पली बड़ी है। यहाँ वो अमीर गरीबी का फासला दिखा रही थी। यहाँ तो वो चैंग को इतना ज्यादा जलील कर रही थी उसके गरीब होने पे। तो इन सब से तंग आकर चैंग उन्हें बता देता है कि वो पहले यहाँ शादी तुड़वाने के इरादे से आया था, पर अब वो लेडी की बातें सुनने के बाद उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और लेडी इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। पैलेस से बाहर जाने से पहले चैंग को शुयोंग की पर्सनल मेट मिलती है, जो अपने बारे में बताते हुए कह रही थी कि उसका नाम शुयोंग है और वो जानना चाहती है कि क्या मिस्टर चैंग में सू से शादी करने वाला है, जिसपे चैंग हामी भर रहा था। और वो ये तक कहता है कि उनकी सगाई हो गई है तो शादी भी जल्दी हो जाएगी। शुयोंग उसे अपना मुंह बंद रखने को कहती है, वरना तो वो बाहर लोगों के हाथों से पिट जाएगा। इसका रीजन पूछने पर चैंग को शुयोंग से पता लगता है कि असल में इस पूरी कैपिटल सिटी में ये अफवाह फैली हुई है कि शु के जितना पावरफुल और उसे टक्कर देने वाला सिर्फ क्यू शेंजुन है, और उससे शादी करने के लायक भी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। चैंग को इस नाम के बंदे के बारे में कुछ नहीं पता था, तो ये देखकर शुयोंग उसे बताने लगती है कि असल में शेंजुन साउथर्न लैंड के सबसे लार्जेस्ट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, और आने वाले 100 सालों में शेंजुन एक इमॉर्टल गॉड भी बन सकता है। टाउन के सभी लोगों को लगता है कि वो एक गॉड है और उसके लायक सिर्फ एक ही लड़की है, वो है मिस शु। वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने काफी कम एज में अपनी बॉडी प्योरिफाइंग लेवल को कम्प्लीट कर लिया था, और वो बहुत सालों पहले ही टाउन को छोड़ के साउथ की तरफ चली गई थी हेवनली बुक को पढ़ने के लिए, ताकि वो मेडिटेट करके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। चैंग को यहाँ ये भी पता लगता है कि मिस शु असल में एक फियोनिक्स की रीइंकार्नेशन है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसी लेडी को डिवाइन जनरल के साथ दिखाया जाता है, जो आपस में ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि मिस शु की शादी पहले से तय हो गई है, ये बात बाहर ना आ जाए, क्योंकि शेंजुन की फैमिली उसके लिए रिश्ता लेकर आ रही थी। दूसरी तरफ चैंग शुयोंग से पूछ रहा था कि आखिर वो उसे इन सारी चीजों के बारे में क्यों बता रही है। तो शुयोंग बताती है कि उसे मिस शु की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ है, जिसमें उन्होंने चैंग का जिक्र किया है। वो नहीं चाहती कि उसकी शादी चैंग से हो, और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती कि चैंग को कोई बेबात जान से मार दे। पर चैंग को इन सब की परवाह नहीं थी, वो तो शुयोंग को बता देता है कि पहले तो वो शादी तुड़वाने आया था, लेकिन उसकी इतनी इंसल्ट हुई है कि अब वो चाहता है कि ये शादी कंटिन्यू हो, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो मिस शु के लायक है। इसके बाद हमें चैंग को एक इन में दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ एक और लड़का अपने लिए रूम लेने आए थे। दूसरी तरफ आज शुयोंग की चैंग से जो भी बातें हुई, वो ये सारी बातें शु को लेटर के थ्रू बता देती है, जिससे मिस शु को चैंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक असैसियन चुपके चुपके चैंग के रूम में आया था और वो उस पे अटैक करके उससे मैरिज सर्टिफिकेट मांगने लगता है। इसे पक्का डिवाइन जनरल और लेडी ने भेजा होगा, ताकि वो चैंग के पास से वो मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे। पर उन दोनों की फाइट के दौरान काफी ज्यादा शोर हो रहा था, तो पड़ोस का एक लड़का उनके रूम में आ जाता है। वो आकर उस असैसियन को डांट रहा था कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, पर तुम इतना तेज बोल रहे हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये देखने के बाद वो असैसियन उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो लड़का उसके साथ फाइट कर रहा था। ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही अटैक में उस निंजा को छत पर ले आया था। और फिर दोनों की थोड़ी देर की फाइट के बाद ये पर्सन आराम
आराम से जीत गया था। अब तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में एकेडमी टेस्ट देने आए थे, जहां फर्स्ट राउंड में सभी स्टूडेंट को एक पत्थर को छू कर एनर्जी रिलीज करनी थी। जिसकी एनर्जी रिलीज हो जाती वो सेकंड राउंड के लिए पास हो जाता और जिसकी नहीं होती उसे फेल कर दिया जाता। असल में ये एक सेंसरी स्टोन है, अगर तुम्हारे पास हेवनली एनर्जी मौजूद है तब तो ये पत्थर ग्लो करेगा और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये पत्थर नहीं ग्लो करेगा। पहला स्टूडेंट ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता तो उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद तो उसी पर्सन की बारी आती है जिसने चैंग की जान बचाई थी और उसके उस पत्थर को हाथ में लेते ही वो जोर से ग्लो करने लगता है। ऐसा करने से टैंग सबकी नजरों में आ जाता है और सबको पता लग जाता है कि ये तो वो जीनियस टैंग है टैंग फैमिली का। इसने एक बार पहले भी ये टेस्ट क्लियर किया है, तभी इसने 36 रैंक की थी, इस वजह से ये दोबारा टेस्ट देने आया है। ये सब देखने के बाद तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आ गए थे। टैंग के फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद उसे एक टोकन दिया जाता है और जब चैंग आकर उस एग्जाम को देने की कोशिश करता है तो वो पत्थर ग्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर टैंग के घूर के देखने के बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ टैंग उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि जिसने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की होती है उसके लिए ये पत्थर ग्लो नहीं करता। यहाँ टैंग चैंग को हौसला देते हुए कहता है कि वह आगे फ्यूचर में जरूर करेगा। वैसे टैंग का इरादा तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पर आने का है, क्योंकि पहले दो प्लेस को तो ऑलरेडी किसी ने घेर रखा है। फर्स्ट प्लेस पर है शेन जुन और सेकंड प्लेस पर है यूरोंग यानी कि मिस शू। इसके बाद टैंग उससे पूछ रहा था कि उसे कौन से प्लेस पे आना है, तो चैंग का जवाब था कि उसे फर्स्ट प्लेस पे आना है। अब टीचर उन लोगों को सेकंड राउंड पे जाने के लिए कह रहे थे तो चैंग भी टैंग के साथ जाने लगता है। ये देखकर टीचर उसे रोक रहे थे कि वो नहीं जा सकता, पर चैंग ने इतनी बुक्स पढ़ी थी कि उसे यहाँ की रूल बुक भी पता है और रूल के अकॉर्डिंग वो बताता है कि फर्स्ट टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि वो देख सके कि सेकंड टेस्ट में कौन कौन पास हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेल हो गए वो सेकंड टेस्ट नहीं दे सकते। टीचर तो ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा कोई रूल है भी या नहीं। बच्चे भी यही सोच रहे थे तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। उनके आने के बाद टीचर उनसे पूछ रहे थे कि क्या ऐसा कोई रूल है, तो वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसा एक रूल है क्योंकि 7 सालों पहले ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहां वो स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट को पास नहीं कर पाया लेकिन सेकंड टेस्ट उसने काफी अच्छे से दिया था। पर टीचर को अभी भी चैंग पे भरोसा नहीं था, उन्हें लग रहा था कि ये लड़का सिर्फ टाइम वेस्ट करने जा रहा है, पर फिर भी वो उसे परमिशन दे देते हैं एग्जाम देने के। नेक्स्ट सीन में हमें चैंग को एग्जामिनेशन हॉल में दिखाया जाता है जहां वो अच्छे से एग्जाम देते हुए ये सोच रहा था कि उसने टीचर की लाइब्रेरी से 3000 बुक को ऐसे रट लिया है और उसे सारी चीजें पता है। उसने हर तरीके की बुक्स पढ़ी है जिसमें मिलिट्री इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, साथ ही कल्टीवेशन इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन उसे आती है। तो उन्हीं सारी जानकारियों के बेस पर वो काफी अच्छे से अपना एग्जाम कंप्लीट कर देता है। जब वो अपनी आंसर शीट टीचर को दिखाता है तो टीचर तो उसके जवाब देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि बीते 10 सालों में पूरे के पूरे एग्जाम को किसी ने भी क्लियर नहीं किया, इसलिए वो ये आंसर शीट लेकर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। वो भी उसकी आंसर शीट देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। पर जब टीचर आकर रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो उसमें कहीं भी हमारे चैंग का नाम नहीं था। तो ये देखने के बाद चैंग उनसे पूछ रहा था कि क्या वो एक बार अपनी आंसर शीट देख सकता है, तो टीचर का कहना था कि हेवनली दाओ एकेडमी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वो लोग आंसर शीट देख सकते हैं, इसलिए अब उसे वहां से जाना होगा। चैंग के वहां से जाने के बाद टैंग प्रेसिडेंट के पास जाकर पूछ रहा था कि आखिर चैंग का एग्जाम इतना अच्छा हुआ तो उसे फेल क्यों कर दिया गया, जहां प्रेसिडेंट बताते हैं कि हां सच में वो बच्चा काफी ज्यादा कमाल का है, मैं तो उसे डॉक्टर बनाता और खुद पर्सनली उसे ट्रेन करता, पर ऊपर से ऑर्डर आए थे कि उसे फेल कर दिया जाए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टैंग के पूछने पर कि आखिर उसे फेल किसने किया, प्रेसिडेंट बताते हैं कि वो जनरल की वाइफ शूजी है। ये सुनने के बाद टैंग को समझ नहीं आता कि आखिर चैंग की उनसे क्या दुश्मनी है। दूसरी तरफ चैंग को दिखाया जाता है वो अपने मास्टर की दी हुई एकेडमी की लिस्ट में एक एक करके सभी एकेडमी में टेस्ट देता है, जहां उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी कोई भी एकेडमी उसे सिलेक्ट नहीं करती, तो वो उनसे पूछ ही लेता है कि आखिर उसे रिजेक्ट करने की वजह क्या है, जहां बात करते हुए उसे पता लग जाता है कि इसके पीछे जनरल का हाथ है। अब चैंग के मास्टर की दी हुई लिस्ट में एक लास्ट एकेडमी बची थी जिसका नाम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी है, तो वहां के कुछ स्टूडेंट से वो उस एकेडमी का रास्ता पूछ रहा था। दूर से जनरल का वो असेशियन उस पे नजर रख रहा था। यहां एकेडमी का रास्ता पूछने पर वो बच्चे भड़क कर उसके साथ फाइट करने लगते हैं, जहां चैंग ने भी अपनी छोटी सी स्वॉर्ड निकाल कर उनके साथ फाइट करने का इरादा कर लिया था, पर पीछे से आ रही एक बग्गी को देखकर वो सभी डर के वहां से भाग जाते हैं। चैंग को पता था कि इसमें लेडी मोयू है, वो तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि चैंग को पहले से ही उसके बारे में पता है। वैसे तो वो यहां चैंग को धमकाने आई थी कि वो किसी को भी उसकी और शू के मैरिज के बारे में ना बताए, अगर उसने ऐसा किया तो फिर खुद डेमन लॉर्ड भी क्यों ना आ जाए, वो उसकी जान को नहीं बचा पाएंगे। तो चैंग यहां उनसे ये कहता है कि वो उसके रास्ते में ना आए, बदले में वो भी उनके रास्ते में नहीं आएगा। इस बात का ये मतलब था कि चैंग उनकी बातें मान रहा है लेकिन अपने अकॉर्डिंग। तो उसकी दिक्कत समझते हुए मिस मोयू उसे एक स्टैम्प पेपर देकर कहती है इसे ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में दिखा देना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे उसका तो मन नहीं था उस एकेडमी में जाने का, लेकिन अब एक यही लास्ट चॉइस बची थी उसके पास। इसके बाद तो वो फटाफट एकेडमी पहुंचता है। एकेडमी की हालत तो पूरी खंडहर जैसी हो रखी थी, देख के लग रहा था कि जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया।
और अंदर जाने पर चैंग को गेट पर ताला लगा हुआ दिखता है। इसके बाद तो वो फटाफट कैपिटल के मैनेजिंग ऑफिस चला गया था, जहाँ से सभी एकेडमी को मैनेज किया जाता है। रूम के अंदर जाने पर उसे एल्डर सोते हुए नजर आते हैं, तो वो उन्हें जगा कर कह रहा था कि वो अपने एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया है। तो एल्डर उसे नींद भरी हालत में ही पूछ रहे थे कि वो कौन सी एकेडमी में जाना चाहता है। तो चैंग के ये बताने पर कि वो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के लिए आया है, एल्डर को लग रहा था कि ऐसा दूसरी कोई एकेडमी है क्या, पर चैंग के ये बताने पर कि नहीं, वो उसी एकेडमी में जाना चाहता है जो उनके हॉल में मौजूद है। ये सुनकर तो एल्डर की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस एकेडमी में तो टीचर भी नहीं है और सालों से वो एकेडमी बंद पड़ी है। ऐसे अचानक से चैंग के लिए उसे स्टार्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और साथ ही मैनेजिंग ऑफिसर के लिए भी। इसलिए वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं, पर उसका रिकमेंडेशन लेटर वहीं छूट गया था। एल्डर को तो ये भी लग रहा था कि चैंग शायद नकली रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया है। चैंग के वापस जाने के बाद स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे थे कि क्या ये ऐसी एकेडमी में जाना चाहता है जहाँ कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो घोड़े बेच के सो रहे थे कि हवा के प्रेशर से वो पन्ना उनके चेहरे पर आकर लगता है, और ये देखने के बाद कि ये रिकमेंडेशन लेटर असली है, उनकी तो हवाइयां उड़ जाती हैं। वो ये बात जाकर अपने सीनियर को बताते हैं और वो उसे कह रहे थे कि उस लड़के को जो चाहिए उसे प्रोवाइड कराओ। दूसरी तरफ चैंग को दिखाया जाता है जो अकेले ही एकेडमी को साफ कर रहा था, तभी उसके पास एल्डर दौड़े दौड़े आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो तुम्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर वो उसे उस एकेडमी को ओपन करने के लिए कुछ पैसे, बुक्स और चाबी देकर जाते हैं। इसके बाद तो एल्डर उससे पूछ रहे थे कि क्या उसे और भी कुछ चाहिए। वो तो कहता है कि उसे कुछ लोग चाहिए इसे साफ करने के लिए, ताकि वो इस पढ़ने की जगह को थोड़ा साफ सुथरा बना सके। थोड़ी ही देर में एल्डर काफी सारे लोगों को बुला लेते हैं एकेडमी की सफाई के लिए, और इतने सारे लोगों के साथ में काम करने की वजह से एकेडमी थोड़ी ही देर में न्यू हो जाती है। चैंग तो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर कल्टीवेशन की काफी सारी बुक्स मौजूद थी। इसके बाद हमें जनरल के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एसेसियन जाकर जनरल को अपडेट दे रहा था कि मिस मोयू चैंग की हेल्प कर रही है, और जब तक वो चैंग की हेल्प करी है ये एसेसियन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ मिस सीजी आकर जनरल को चैंग के बारे में बताती है कि वो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एडमिशन ले चुका है। तो वो जनरल से पूछ रही थी कि आगे क्या करना है, पर जनरल का कहना था कि अब जब एकेडमी इसमें बीच में घुस चुकी है तो वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय देखने के। वैसे भी वो लड़का एक वेस्ट है जिसने अभी तक अपने स्पिरिचुअल पावर को एनालाइज नहीं किया, तो देखते हैं कि फ्यूचर में वो उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें चैंग को दिखाया जाता है जो उसी स्पिरिचुअल बुक की हेल्प से अपने स्पिरिचुअल पावर को अवेक करने की कोशिश कर रहा था। उसे मेडिटेट करता देख कर एल्डर सोच रही थी कि आखिर ये किस तरीके की कल्टीवेशन कर रहा होगा। इधर चैंग कल्टीवेशन करते हुए अपने मास्टर के वर्ड्स को याद कर रहा था कि कल्टीवेशन में 6 लेवल होते हैं, जैसे ही वो इन रियल्स को कंप्लीट करेगा वो हेवन लेवल पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसे हेवनली बुक पढ़ने का मौका मिल सकता है। स्टार्टिंग में चैंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखने के बाद एल्डर्स को लग रहा था कि उन्हें लगा कि ये जीनियस है, पर ये तो वेस्ट है। पर जब चैंग दोबारा ट्राई करता है तो उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आ गई थी और वो अपने स्पिरिचुअल स्टार को ढूंढने लगती है। ये देखने के बाद तो एल्डर्स बुरी तरीके से डर गए थे। चैंग अपने स्पिरिचुअल स्टार को जैसे ही ढूंढ रहा था, उसे आसमान में और भी काफी सारे लोगों के स्टार्स नजर आते हैं। थोड़ा और ध्यान लगाने पर जब वो ऊपर जाता है तो उसे एक बैरियर नजर आता है, तो वो लगातार उस बैरियर को तोड़ने का ट्राई कर रहा था। यहाँ एल्डर्स को लग रहा था कि लगता है ये नहीं कर पाएगा, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर यहाँ लगातार मेहनत करने की वजह से चैंग ने उस स्टार को हासिल कर लिया था। उसका लाइफ स्टार देखने के बाद दूर दूर से एल्डर को समझ में आ जाता है कि एक नया जीनियस आ चुका है। यहाँ पे एम्प्रेस को दिखाया जाता है, उसे भी ये स्टार देखकर ऐसा लग रहा था कि लगता है नया जीनियस आया है। दूसरी तरफ स्टार की एनर्जी से चैंग की बॉडी ग्लो करने लगती है और उस पर पड़ी स्वॉर्ड भी ग्लो कर रही थी, यानी कि चैंग के पास जो स्वॉर्ड है वो आम स्वॉर्ड नहीं है, काफी ज्यादा खास है। इस एनर्जी रिफ्लेक्शन को दूर से एक लड़की देख रही थी, और ये देखने के बाद वो एक टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करते हुए उस एकेडमी के बाहर आ जाती है। पर उस लड़की के वहाँ पहुँचते ही एक पर्सन उसे अपने जाल में ट्रैप कर लेता है। उस पर्सन को देखने के बाद ये लड़की समझ गई थी कि ये काफी देर से उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे मारा ना तो मेरे गार्ड्स तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को छोड़ेंगे नहीं। पर वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम मोही है और वो वेस्टर्न क्लैन से बिलोंग करता है। उसे लग रहा था कि अगर वो प्रिंसेस को मार देगा तो कोई भी उसके बारे में नहीं जान पाएगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस के गार्ड उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, उन्हें पता लग गया था कि प्रिंसेस कहीं आसपास ही होगी। यहाँ प्रिंसेस उस लड़के को भटकाने के लिए कहती है कि मेरे गार्ड आसपास ही हैं तो वो जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पर मोही बताता है कि उसने जो बैरियर बनाया इसकी हेल्प से वो लोग इनविजिबल हो गए हैं, कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस लू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है, और फिर वो अपने पास से अपना हंटर वाला वेपन निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने लगती है। पर वो तो काफी इजिली अपने गायब होने वाले मेथड का यूज करके उसके अटैक्स को डॉच कर रहा था। उसके साथ फाइट करते हुए प्रिंसेस लू काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी, उसे तो लग रहा है कि वो मरने वाली है, यहाँ तक कि एंशियंट वेपन का यूज करने के बावजूद भी वो उसका सामना नहीं कर पाती। पर तभी वहाँ चैंग आकर अपनी पावर की हेल्प से उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और फिर वो प्रिंसेस लू को गाइड भी कर रहा था कि उसे कैसे अटैक करना चाहिए। उसके गाइडेंस को फॉलो करने की वजह से प्रिंसेस उस बंदे को बुरी तरीके से घायल कर देती है। ये देखकर उस पर्सन को समझ नहीं आता कि आखिर चैंग को कैसे पता कि वो कहाँ से अटैक करने वाला है। तो चैंग बताता है कि मो ही एक डीमन क्लैन से है और वो जिस टेक्निक का यूज कर रहा है उसने इसे किताबों में पढ़ा है, और ऑब्वियस सी बात है कि हर टेक्निक को इतना डीपली पढ़ने की वजह से चैंग को सारे तरीके पता है कि वो कब और कैसे अटैक करने वाला है। यहाँ अपने हाथ से बाजी
बाजी निकलता देखकर वो पर्सन अपने उस बैरियर को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो तेजी से नीचे आने लगती है और अब वो तीनों एक साथ मरने वाले थे। प्रिंसेस लू तो उसे रोकने के लिए जाती है, पर वो खुद ही घायल होकर बेहोश हो गई थी। इसके बाद तो चैंग अपनी स्वॉर्ड से उस बैरियर को रोकने की कोशिश करता है। अब जैसा कि हमें पता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्पेशल है, तो वो उस बैरियर को रोक लेती है, पर ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जिन्हें पता लग गया था कि प्रिंसेस लू भाग गई है, तो वो अपने और ज्यादा गार्ड्स को भेजकर उसे ढूंढने का ऐलान कराती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी गार्ड्स ने रॉयल प्रिंसेस को ढूंढ लिया था। थोड़ी देर बाद चैंग को होश आ जाता है और उसे अपने सामने लू नजर आती है। चैंग को कुछ भी याद नहीं था, तो लू उसे बताती है कि कल रात को उसने उसकी जान बचाई और वो तो कितना ज्यादा बहादुर है। वो तो उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसे अपना टीचर बनाना चाहती थी। इस बारे में वो अपने सर्वेंट्स को भी बताती है कि उसने अपना मास्टर ढूंढ लिया। दूसरी तरफ चैंग को दिखाया जाता है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा बिजी था, पर तभी वहाँ लू हाजिर हो जाती है काफी सारे सोने चांदी के साथ। ये सब प्रिंसेस लू लेकर आई थी ताकि वो चैंग की स्टूडेंट बन सके, पर चैंग ने उसे पहले ही मना कर दिया था, तो वो इस बार भी उसे मना कर देता है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अभी किसी को सिखा सके। लू उसे तीनों बॉक्सेस का सामान ऑफर करके कह रही थी कि वो उसे उसका स्टूडेंट बना ले, पर चैंग अभी भी रेडी नहीं होता, तो वो उसे एक बटन देते हुए कहती है कि वो इससे कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, पर चैंग तो अभी भी तैयार नहीं हुआ था। तभी दो सर्वेंट आकर उसे डांटने लगते हैं, पर लू तो उनके ऊपर भड़क जाती है कि वो उसके मास्टर है। अपनी प्रिंसेस का ये हाल देखने के बाद तो वो डर के वहां से चले गए थे। यहां चैंग लू से पूछ रहा था कि आखिर वो उसे अपना मास्टर क्यों बनाना चाहती है, तो लू बताती है कि कल उसने जो स्टार अवेक किया था, उसने देखा वो कितना ज्यादा औसम है और साथ ही उसने उस बंदे को कितनी इजिली हरा दिया। पर चैंग बताता है कि प्रिंसेस लू तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, पर प्रिंसेस लू का कहना था कि वो स्ट्रांग है लेकिन उसे गाइडेंस की जरूरत है और ये गाइडेंस उसे सिर्फ चैंग दे सकता है। पर चैंग बताता है कि उसे सारी चीजों की नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस उसने कभी भी नहीं की, इसलिए वो उसे नहीं सिखा सकता। वहीं दूसरी तरफ लू कहती है कि उसने प्रैक्टिस की है लेकिन उसे टेक्निक्स नहीं पता, वो याद नहीं रख सकती, इसलिए वो उसका मास्टर बनने के लायक है, पर चैंग फिर भी उसे मना कर देता है। ये देखने के बाद तो लू उससे चिपक जाती है। अब तो वो जहाँ जहाँ जाता हमारी लू उसके पीछे पीछे पहुँच जाती उसे मनाने के लिए कि ताकि वो उसका मास्टर बन जाए। वो तो बेचारे को नहाते हुए भी अकेला नहीं छोड़ती है, तो अब अपनी जान बचाने के लिए वो उसे उल्लू बनाकर वहाँ से तौलिए में भागने लगता है। भागते हुए चैंग को श्वांग मिल जाती है, जो कि यूरोंग का लेटर लेकर आई थी। वो तो उसे बदतमीज बोलकर उसे लेटर थमाते हुए वहाँ से निकल जाती है। लू तो फिर से चैंग के पास पहुँच गई थी, तो चैंग अपनी जान बचाने के लिए टैंक के पास पहुँच जाता है। टैंक तो उसकी ऐसी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा हंस रहा था। उसे इतना देर रात तक पढ़ते देखकर चैंग उससे पूछ रहा था कि आखिर वो इतनी रात तक पढ़ क्यों रहा है, तो टैंक उसे शहर में एकेडमी टेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें सिटी में मौजूद सभी एकेडमी के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले थे और ये टेस्ट 3 दिनों तक चलने वाला है। तो टैंक और कुछ नहीं बल्कि उसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट डे टैंक जब अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए जा रहा था, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो टियान को हराने का सपना देख रहा है ना। टैंक को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर चैंग उससे पूछ रहा था कि आखिर ये टियान कौन है, और ये सुनने के बाद तो उसकी हंसी छूट जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। चैंग जब अकेडमी में वापस आता है, तो उसे लू वहीं दिखती है। इसके बाद हमें ऑर्थोडॉक्स अकेडमी के मास्टर को दिखाया जाता है, जो मास्टर चाओ के साथ वहां आए थे ये बताने के लिए कि उन्हें भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा, पर अकेडमी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए उनके अकेडमी में 2 लोगों का होना जरूरी है। तो चैंग तो रेडी हो जाता है, पर एल्डर्स को लग रहा था कि ये तो डम है ही, जिसकी वजह से अकेडमी का नाम बदनाम होगा, पता नहीं ये दूसरा और किसको लेकर आएगा। पर तभी प्रिंसेस लू मान जाती है उस अकेडमी में ज्वाइन होने के लिए और उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी। तो अब ना चाहते हुए भी चैंग को उसे अपना स्टूडेंट बनाना पड़ता है। चैंग को लू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि पता नहीं इस अकेडमी में ज्वाइन होने के बाद लोग उसे किस नजर से देखें, पर लू को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जनरल को भी अपने एसेसियन के जरिए ये न्यूज मिल जाती है कि चैंग भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनने के बाद तो उनका खून खोलने लगा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें चैंग को दिखाया जाता है, जो लू को प्रिपेयर कर रहा था कॉम्पिटिशन के लिए। यहाँ वो उसे विन एंड रेन नाम की टेक्निक सिखा रहा था, जिसे परफॉर्म करते हुए लू एक पेड़ पर निशाना लगाती है। तभी वहाँ अकेडमी के एल्डर आकर उन्हें बताते हैं कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, उन्हें चलना होगा। उनके वहाँ से जाते ही पेड़ की हालत दिखाई जाती है, जो कि टुकड़ों में बढ़ चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें टैंक को दिखाया जाता है, जिसे किसी ने कैद कर रखा था, और ये और कोई नहीं बल्कि हेवनली एकेडमी के एल्डर है। जब वो टैंक से मिलने उसके पास आते हैं, तो वो उसे पूछ रहा था कि आखिर उसे यहाँ कैद करने का रियल रीजन क्या है। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि असल में इस कॉम्पिटिशन में डिवाइन जनरल की तरफ से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि इसमें कोई अड़ंगा आए। तो टैंक समझ जाता है कि कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग जनरल के कहने पे चल रहे हैं। तभी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने का बेल रिंग करता है, और ये देखने के बाद तो टैंक को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हमें चैंग और लू को दिखाया जाता है, जो जैसे ही अरीना में एंटर करते हैं, वहाँ और भी काफी सारे अकेडमी के लोग मौजूद थे, जो ऑर्थोडॉक्स अकेडमी को पार्टिसिपेट करते देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफी सालों से पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद तो डिवाइन जनरल की नजर चैंग पे पड़ती है, और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से घूर रहे थे। तभी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, और कॉम्पिटिशन की स्टार्टिंग में हमें टियान नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो टैंक के साथ फाइट करने आया था। पर टैंक के वहाँ ना होने पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि पहले वही मरा जा रहा था उसके साथ फाइट करने के लिए, और अब जब होने वाली है तो वो यहाँ से भाग गया। टैंक को वहाँ ना देखकर चैंग को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था ना। वैसे यहाँ टियान को हेवनली एकेडमी की बुराई करते देखकर हेवनली एकेडमी का एक और स्टूडेंट खड़ा होकर उसके साथ फाइट करने वाला था,
पर ये बंदा कहता है कि तुम तो मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो ना। ये देखने के बाद एक दूसरी एकेडमी का बंदा हंसने लगा था, तो न्यारा से हंसता देखकर उसे चैलेंज करता है कि क्या तुम्हें फाइट करनी है। तो अब अपनी स्टार रीचिंग एकेडमी को अच्छा दिखाने के लिए वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। ये लड़का अरेना में आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। इसका नाम शुआन युआन है और ये स्टार रीचिंग एकेडमी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। फाइट स्टार्ट होती है और टियान अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए विंड फाइट से अटैक करता है, तो शुआन युआन भी अपना पंच तैयार करके उसे जैसे ही मारता है ना, उसकी एक हाथ बीस्ट की हो गई थी। ये देखने के बाद सब लोग बुरी तरीके से डर गए थे कि डीमन बॉय प्रिंसेस लू तो खुश हो जाती है कि लगता है ये मैच टाई होने वाला है, पर चेंग जिसे हर तरीके की टेक्निक के बारे में नॉलेज है वो कह रहा था कि ये लड़का हारने वाला है। और ऐसा ही होता है, इस अटैक से हिट होने की वजह से शुआन युआन का एक बाजू पूरी तरीके से खराब हो गया था। पर टियान तो ये देख के भी नहीं रुकता, वो उसे किक करके अरीना से बाहर फेंक देता है और फिर जीतने के बाद वो लगातार सबका मजाक उड़ा रहा था। अब टियान को ऐसे सबकी बेइज्जती करता देखकर चेंग खड़ा होकर उसे अपना मुंह बंद करने को कह रहा था, तो अब चेंग को उसके खिलाफ बोलता देखकर वो उसकी भी बेइज्जती शुरू कर देता है कि तुम तो टैंक के दोस्त हो ना, तुम भी उसकी तरह भगोड़े हो और कमजोर हो। अब अपने दोस्त के बारे में सुनने के बाद तो चेंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो प्रिंसेस लू को भेज देता है अरीना में ताकि वो इसके साथ फाइट कर सके। वो तो खुशी खुशी इसके साथ फाइट करने हाजिर हो जाती है। टियान प्रिंसेस लू को हराने के लिए अपने स्नेक पीस का यूज कर रहा था। प्रिंसेस लू भी कहां कम थी, वो अपने स्प्रिट बीस का यूज करने लगती है जो कि टाइगर स्प्रिट बीस थी। वो आते ही उस स्नेक को पूरी तरीके से निगल चुकी थी। यहां टियान फिर से उस पे पंच अटैक करता है जो उसने पहले किया था, पर लू उसे काफी इजिली रोक कर उसकी धुनाई कर देती है। लू की इतनी खतरनाक टेक्निक देखने के बाद सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। टियान को सब लोग लिटिल मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं, पर यहां तो प्रिंसेस के हाथों उसकी काफी अच्छी कुटाई हो रही थी। टियान यहां बुरी तरीके से घायल हो जाता है, फिर भी लू रुकती नहीं है। टियान तो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, पर लू को तो बदला लेना था कि आखिर उसने मास्टर की बेइज्जती कैसे की। तभी वहां उसके क्लैन के काफी सारे एल्डर आकर उसे रोक देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो जीत चुकी है। अपने एल्डर्स के सामने फिर से टियान की बोलती शुरू हो जाती है। वो फिर से उसकी इंसल्ट कर रहा था कि अभी तो तुमने हरा दिया, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में तुम्हें बताऊंगा। तो ये देखकर चेंग लू को वापस बुला लेता है, साथ ही वो उसे इशारा कर रहा था कि इसे सबक सिखाए। अब तो लू को उसके मास्टर का हुक्म भी मिल गया था, तो वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है जिसकी वजह से बेचारा चारों खाने चित हो गया था। अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखने के बाद टियान के क्लैन के एल्डर अपनी पावर रिलीज करते हुए अपने स्प्रिट स्नेक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर इससे पहले कि ये अटैक उन पर होता तभी वहाँ पर हेवनली एकेडमी के एल्डर आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सभी एकेडमी के लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट को देखने के बाद तो उस एल्डर की हालत खराब हो जाती है। यहाँ हमें एक और दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में उन्हें घूर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेंग और प्रिंसेस लू स्टार हिडन एकेडमी जाते हैं शुआन युआन का पता लगाने के लिए, पर गार्ड उन्हें बताता है कि वो तो कल से ही गायब है। असल में उसके हाथ में काफी बुरी इंजरी हो गई थी, तो वो उसे दिखाने डॉक्टर के पास गया और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। ये देखने के बाद लू को डाउट तो होता है क्योंकि कल एल्डर ही उसे लेकर आए थे, फिर वो कल से गायब कैसे हो सकता है। पर चेंग उसे ज्यादा दिमाग दौड़ाने से मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों अपनी एकेडमी की तरफ वापस जा रहे थे जहां चेंग की नजर लू पे पड़ती है जो काफी ज्यादा अपसेट थी। तो चेंग उससे इसका रीजन पूछता है कि क्या वो शुआन युआन की मदद करना चाहती है क्यों। तो प्रिंसेस लू बताती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा बहादुर और निडर लगा क्योंकि इतने सारे में वो अकेला था जिसने टियान को कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज किया। ये जानने के बाद चेंग को पता लगता है कि लू कितने ज्यादा नरम दिल है। यहाँ वो लू से कह रहा था कि आज रात वो लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा टफ होने जा रहा है, तो वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुन के लू मान जाती है और फिर अपने मास्टर को कह रही थी कि क्या वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चेंग ना चाहते हुए भी मान जाता है और मार्केट में घूमते हुए उन्हें दूर से ही शुआन युआन नजर आ जाता है जो कि एक होटल में बर्तन मांजने का काम कर रहा था और बच्चे उसे बुली कर रहे थे क्योंकि वो हार गया था। पर जैसे ही लू वहां पहुंचती है वो बच्चे उससे डर के वहां से भाग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये मार मार के उनका पीना भरता बना दे। यहां चेंग शुआन से पूछ रहा था कि आखिर वो यहां क्या कर रहा है, तो शुआन उसे बताता है कि वो बीस्ट क्लैन का बॉय है, इस वजह से अगर उसके हाथों में या उसकी बॉडी में कहीं भी चोट आती है तो वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले जल्दी हील नहीं होती, इसलिए वो अपने एकेडमी में बोझ नहीं बनना चाहता था, तो यहां आ गया और अब एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी जिंदगी गुजारने वाला है। पर इस पर तो लू उसे अपने साथ चलने को कहती है, ये कहते हुए कि मास्टर उसका इलाज कर देंगे, मास्टर को काफी सारी नॉलेज है। पर शुआन को किसी की हेल्प नहीं लेनी थी तो लू उसे अपने साथ चलने को कहती है, उसे कुछ बताना जो था। और फिर थोड़ी दूर जाकर उन दोनों के बीच में पता नहीं कैसी बातें होती है, शुआन तो उसके पैरों में गिर गया था और फिर वो उसके साथ चलने को भी रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का दिखाया जाता है जहाँ पे चेंग उसके हाथों में एक्यूपंचर ट्रीटमेंट कर रहा था और फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसके हाथों में किसी तरीके का पेन हो रहा है। उसके हाँ बोलने पर चेंग को पता लग जाता है कि इसके ठीक होने के चांसेस हैं और फिर वो अपने ट्रीटमेंट को जारी रखते हुए शुआन के हाथ को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये देखकर शुआन काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर चेंग उसे बताता है कि इस तरीके की और भी दो तीन टेक्निक करनी होगी तभी वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा। अब शुआन को पता था कि इसे ठीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि चेंग है, उसके अलावा उसे कोई नहीं ठीक कर सकता, तो ये करने के लिए उसे एकेडमी में रहना होगा। तो वो ये सोच के अपसेट हो जाता है कि वो तो इनका स्टूडेंट भी नहीं है, फिर यहाँ पे फ्री में खा और रह कैसे सकता है। तो लू कहती है कि क्यों ना वो उनकी एकेडमी में ज्वाइन हो जाए। तो लू की बातें सुनने के बाद शुआन युआन उनकी एकेडमी का स्टूडेंट बन जाता है। इधर ये तीनों डिसाइड करते हैं क्यों ना नए स्टूडेंट के आने की खुशी में पार्टी दी जाए। तो वो सभी खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उनके जाने के बाद वहाँ टैंक पहुँच गया था जो जेल से छूटते ही सीधा चेंग से मिलने आया था, पर उसे तो वो मिला ही नहीं। ये देखकर वो
वो बेचारा उल्टे पाँव भाग जाता है। हमें चेंग लू और शुआन को मार्केट में दिखाया जाता है। वो तीनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर तभी वहाँ एक बड़ी फैमिली आने लगती है। तो लोग उसके बारे में बात करते हैं कि ये साउथर्नलैंड की काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, इनके बड़े बेटे की शादी तो मिस सू से होने वाली है। यहाँ उनकी बातों से चेंग को पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि शेंगजुन की फैमिली है, और उसे ये सुन के और ज्यादा झटका लगता है कि उनकी शादी तय होने वाली है और वो लोग इसी के लिए यहाँ आए हैं। तभी लू उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ पे कुछ असैसिन घूम रहे हैं उन्हें मारने के लिए, उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पर इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से जा पाते, वो असैसिन उन पर अटैक करने लगते हैं। लू तो काफी अच्छे से उनका मुकाबला कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ चेंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है अपने पास खड़े हुए उसको मारने के लिए। पर इससे पहले कि वो बंदा उस पर अटैक कर पाता, पीछे से टैंग आकर उसका खेल खत्म कर देता है। चेंग तो टैंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, और टैंग बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन करने आया था पर तुम तो यहाँ बिजी हो। पर तभी वहाँ पर और भी काफी सारे गुंडे आकर उन पर अटैक करने लगते हैं, तो चेंग उससे हेल्प मांगता है। इसके बाद उनकी पूरी की पूरी टीम मिलकर उन सभी को अच्छा मजा चखाती है। वैसे इससे चेंग ये तो समझ गया था कि वो लोग नहीं चाहते कि वो उस कॉम्पिटिशन में आगे पार्टिसिपेट करे, तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है। पर कंपटीशन में अंदर जाने से पहले चेंग लू को एक पोटली थमाकर अंदर भेज देता है, क्योंकि उसे डिवाइन जनरल से जो मिलना था। वो दोनों अकेले में जाकर बात करने लगते हैं, जहां डिवाइन जनरल उसे भड़का रहे थे कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी बेटी के रास्ते में मत आना, और तुमने तो मोयू से प्रॉमिस भी किया था कि तुम ऐसे उसके रास्ते में नहीं आओगे। तो ये सुनने के बाद चेंग कहता है कि आपने भी तो प्रॉमिस किया था कि आप उसकी शादी मुझसे करोगे। तो अपना तीर अपने ऊपर लगता देखकर वो तो स्वॉर्ड निकालकर उसे मारने वाले थे। इसके बाद तो किसी ने तीर से चेंग पर अटैक कर दिया था, और वो इसे काफी डॉच कर लेता है। इधर लू को दिखाया जाता है जो अकेले अपने मास्टर के बिना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, और यहाँ चेंग पर कोई लगातार तीरों से अटैक कर रहा था और वो उन तीरों से बच रहा था। ये सब और कोई नहीं बल्कि जनरल खुद करा रहे थे। तो वो उसे कहते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो, पर तभी वहाँ मिस मोयू की गोट आकर उस बंदे को मार देती है जो तीर से अटैक कर रहा था, और उसे देखने के बाद तो जनरल भी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। चेंग तो उस गोट को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रहा था, पर वो गोट तो उसे लेकर मोयू के पास पहुँच जाती है, जहाँ चेंग के होश में आने के बाद मिस मोयू उसे कहती है कि उसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। उसे तो लगा था कि चेंग काफी ज्यादा समझदार है, पर वो तो एकदम बेवकूफ निकला। चेंग को पता था कि यहाँ मिस मोयू भी उसके खिलाफ है, वो नहीं चाहती है कि उसकी शादी मिस सू से हो। तो वो प्रिंसेस लू का दिया हुआ बटन इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुँच जाता है, पर मिस मोयू तो इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाती है, और ऐसी बेवकूफी करने के लिए उसे डांटती भी है। तो यहाँ चेंग मिस मोयू से काफी गुस्से में कहता है कि क्यों ना वो लोग फाइट करके देख ले कि कौन बचा है और कौन स्ट्रांग। तो मिस मोयू वहाँ पर एक बैरियर बनाते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम खुद को प्रूव कर सको इस बैरियर को क्रॉस करके कंपटीशन खत्म होने से पहले अरेना में एंटर हो जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस मोयू के वहाँ से जाने के बाद चेंग जब उस बैरियर को चेक करता है, तो उसे पता लगता है कि ये एंशियंट टाइम का एक बैरियर है। इसकी हेल्प से एंशियंट टाइम के किंग को कैद किया गया था, जिनके लिए बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो चेंग की इन चीजों में काफी ज्यादा नॉलेज होने की वजह से वो ये पता करने लगता है कि आखिर इसका मेन पॉइंट कहाँ पर है। तभी चेंग को पता लगता है कि इस बैरियर का वीक पॉइंट एक झील है, और जैसे ही वो वहाँ कदम रखता है, झील का पानी पूरी तरीके से गायब हो गया था और वहाँ एक केव नजर आने लगता है। उस केव में अंदर जाने के बाद चेंग को काफी सारा खजाना नजर आया था, और जैसे ही वो उस खजाने के पास जाता है, वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन अपीयर हो गया था। तो चेंग को देखने के बाद वो उस पर अटैक करने लगता है। ड्रैगन के अटैक से चेंग बुरी तरीके से घायल हो गया था। चेंग अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस ड्रैगन से लड़ाई करने की काफी कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। ये सब देखने के बाद चेंग को अपने मास्टर की बातें याद आ रही थी कि बाहर की दुनिया खतरों से भरी हुई है, वो शायद अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता, तो वो भी यही सोचने लगता है। पर चेंग में एक चीज की कमी बिल्कुल नहीं है, और वो है कॉन्फिडेंस की। उसे पता था कि वो यहाँ से जरूर निकल जाएगा, तो वो मास्टर का सिखाया हुआ लास्ट स्क्रॉल याद करता है, और उसके कुछ वर्ड्स उसे याद करने के बाद पता लगता है कि असल में उस स्पेल का यूज तो ड्रैगन के साथ बात करने के लिए होता है। ये देखकर चेंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर ड्रैगन के चेन में उसका पैर फंस के वो वहीं गिर जाता है, और फिर स्क्रॉल की उन्हीं बातों को दोहरा रहा था, जिससे वो ड्रैगन उसके काबू में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस सू और शेंजुन की शादी की बात चल रही थी। मिस मोयू शादी से काफी ज्यादा खुश थी, और दो ट्राइब आपस में मिल रहे थे, वो ये बात सबको बताते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ एक पर्सन खड़ा होकर सबसे पूछ रहा था कि क्या इस शादी से किसी को एतराज है, अगर एतराज है तो वो अभी बता दे। पहली बार पूछने पर उसे कोई रिस्पांस नहीं आता, पर दूसरी बार पूछने पर उसे साफ साफ मना ही सुनाई देती है। सब लोग ये देखकर हैरानी से उस तरफ देखने लगते हैं, और पता लगता है ये और कोई नहीं बल्कि चेंग है। चेंग को वहाँ देखने के बाद डिवाइन जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब चेंग सबको सच बता देगा। तो उसे रोकने के लिए वो अपने गार्ड को भेज देते हैं कि इसे पकड़ो। जैसे ही गार्ड चेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लू अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए सबको मार गिराती है, पर लू के ऐसा करने के बावजूद भी गार्ड्स रुकते नहीं है और ज्यादा मात्रा
में आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी वहाँ के एक एल्डर चेंग की बातें आगे सुना चाहते थे, इसलिए वो गार्ड को रोक कर चेंग को उसकी बात रखने का मौका देते हैं। तो चेंग सबके सामने रिस्पेक्ट शो करते हुए उन्हें बताने लगता है कि उसे शादी से ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन वाली बात सुनने के बाद सभी एकेडमी के एल्डर्स भड़क रहे थे, पर यहाँ चेंग अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहता है क्योंकि वो उसकी फ्यूचर वाइफ है, उसकी मिस शू से पहले एंगेजमेंट हो रखी है तो वो और किसी से शादी कैसे कर सकती है। ये सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर्स भी खड़े होते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो आज तक इस मैरिज के बारे में कभी नहीं सुना, तो ये कब हुआ। तो चेंग पोलाइटली कहता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, वो दिखा सकता है सबको। पर तभी जनरल चेंग की बातों को डिनाई करते हुए कहते हैं कि ऐसा तो कोई प्रूफ है नहीं, क्या पता वो झूठे डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखाए। पर यहाँ प्रिंसेस लू चेंग का सपोर्ट करते हुए कहती है कि उसके मास्टर कभी भी झूठ नहीं बोलते और उसे उस पर पूरा भरोसा है। तो अब टैंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने दोस्त के सपोर्ट में बोलने लगता है कि पक्का ये उसका फ्यूचर हस्बैंड होगा, वरना तो उसका दोस्त उनमें से नहीं है जो किसी को धोखा दे। टैंग को तो अपने दोस्त पे इतना ज्यादा अंधा भरोसा है कि वो तो ये तक कह देता है कि अगर ये मुझे अभी कहेगा कि ये डीमन लॉर्ड का बेटा है मैं तब भी मान लूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो ओल्ड एल्डर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये बच्चे उस पर भरोसा ना करके उस अनजाने लड़के पर भरोसा कर रहे हैं। तो अब लुओ भी कहां चुप रहने वाली थी, वो कहती है कि आप बूढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हर बात सच्ची हो। तो अब उन्हें ऐसे बात करता देखकर ये ओल्ड एल्डर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं और फिर अपने पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज वो चेंग पर कर रहे थे उसे घायल करने के लिए। ये देखकर टैंग आगे आ जाता है। टैंग को सामने देखने के बाद एल्डर अपने अटैक को रिवर्स करते हुए ऊपर से चेंग पे अटैक करते हैं। तो अब उसे बचाने के लिए प्रिंसेस लू आगे आ जाती है, पर वो भी इस अटैक को रोक नहीं पाती और ये अटैक जैसे ही चेंग को लगता उससे पहले ही जनरल जिन वहां पहुंच जाते हैं। जनरल जिन ना केवल उस अटैक को रोकते हैं बल्कि अपने स्प्रिट बीस्ट की हेल्प से उस एल्डर को घायल भी कर देते हैं। जनरल जिन को वहां देखने के बाद एम्परर काफी ज्यादा खुश होकर उन्हें ग्रीट कर रहे थे। तो जनरल जिन को वहां देखने के बाद चेंग लू से पूछ रहा था क्या ये डीमन रियल्म के वही चार लेजेंडरी जनरल है। तो लू के हाँ बोलने पर टैंग की तो हवाइयां उड़ जाती है, वो कहता है कि जिनके बारे में मैंने सिर्फ सुना था और किताबों में पढ़ा था वो मेरी आंखों के सामने एग्जिस्ट करते हैं। चेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने पावरफुल इंसान के यहाँ आने का रीजन क्या हो सकता है। तो लू बताती है कि ये तो हमेशा से उसके पीछे थे और चुपके उसे प्रोटेक्ट करते थे। ये सुनने के बाद तो टैंग की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे पता लग गया था कि लू एक प्रिंसेस है। यहाँ प्रिंसेस लू अपने मास्टर को देख के कह रही थी कि उसका कोई इरादा नहीं था अपनी आइडेंटिटी छुपाने का, वो तो ऐसे अनजाने अनजाने में हो गया। पर चेंग उसे खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करने को कहता है क्योंकि काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ लू खड़े होकर सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो दाइजो की हाई प्रिंसेस है। अब उसके प्रिंसेस होने वाली बात पर उसके फादर और उसका मदर का नाम सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ प्रिंसेस लू सबको कह रही थी कि क्या अब किसी को टीचर की शादी वाली बात से प्रॉब्लम है, तो वो एल्डर्स की बातें सुनने के बाद मुंह बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लू के दोबारा पूछने पर कि किसी का कोई सवाल जवाब है तो अभी कर ले, हांशी नाम का बंदा खड़ा हो जाता है और वो चेंग के सामने आकर उसे कह रहा था कि उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देना चाहिए। पर यहाँ वो चेंग से पूछ रहा था कि क्या शू तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, अगर नहीं तो फिर तुम्हारे उस मैरिज सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो हांशी की बातें सुनने के बाद सबको ये बात जायज लग रही थी, सबको लग रहा था कि शेन जुन चेंग से ज्यादा पावरफुल है तो शू उसे ही चूज करेगी। यहाँ चेंग हांशी से पूछ रहा था कि क्या उसे पता है कि सच में शू से शादी नहीं करना चाहती, पर इस पर तो हांशी कुछ नहीं बोल पाता। और यहाँ चेंग कहता है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या वो शेन जुन से भी शादी करना चाहती है या नहीं। तो इस टॉपिक पे वो लोग लगाम लगा लेते हैं ये सोचकर कि मिस शू ही बता सकती है कि उसे किससे शादी करनी है। पर यहाँ हांशी सबको खुद से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि वो उसका भाई है तो वो उसके बिहाफ पर एटलीस्ट फाइट तो कर ही सकता है। अब कॉम्पिटिशन की थर्ड नाइट होने की वजह से वो चेंग को चैलेंज कर रहा था कि क्या वो उसके साथ फाइट कर सकता है। तो चेंग इस सवाल को सुनने के बाद सोच ही जाता कि उसे क्या जवाब देना चाहिए कि टैंग उसे मना कर देता है कि इस फाइट के लिए मना कर दो, क्योंकि हो सकता है कि वो कंपटीशन का आड़ लेते हुए चेंग को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे हो। पर तभी वहां पर हेवनली एकेडमी के एल्डर्स आ जाते हैं और वो टैंग को वापस आने के लिए कह रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो चेंग का सपोर्ट करे। पर टैंग को पता था कि असल में ये लोग जनरल के सपोर्ट में है तो वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। वो सभी उसे धमकी दे रहे थे कि वो उसे अपने एकेडमी से बाहर निकलवा देंगे। तो ये देखने के बाद चेंग उसे ऑफर करता है कि क्या वो उसकी एकेडमी में ज्वाइन होना चाहता है, वो तो खुशी खुशी मान जाता है। चेंग ने अभी तक कॉम्पिटिशन के लिए हाँ नहीं की थी, तो ये देखकर हांशी कहता है कि वो लोग रिटन टेस्ट कॉम्पिटिशन करेंगे क्योंकि वो इसमें काफी ज्यादा अच्छा है, उसे तो लग रहा था कि वो जीनियस है और वो चेंग को आराम से हरा देगा। तो रिटन टेस्ट में तो हमारा चेंग भी काफी ज्यादा औसम था तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वो लोग बाहर पहुंच जाते हैं। चेंग को तो ये चांस लग रहा था जीतने का, पर टैंग इसे काफी ज्यादा नाराज लग रहा था क्योंकि उसे फाइट करनी थी, तो इसलिए वो हांशी की टीम से एक लड़के को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो लड़का भी खुशी खुशी उसके साथ फाइट करने के लिए आगे आ गया था। उन दोनों की ही फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी, ऑडियंस तो उनकी फाइटिंग स्किल्स देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वैसे हमें यहाँ ये सीन दिखाया जाता है जब शेनजुन की फैमिली कैपिटल सिटी के लिए रवाना हो रही थी तो मिस शू ने उन्हें देख लिया था और वो अपनी तरफ से एक लेटर लिखकर अपने पक्षी के द्वारा वहां से भिजवा देती है। दूसरी तरफ टैंग को दिखाया जाता है, वो दोनों फाइट करते करते जमीन में बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं। वैसे वो दोनों के दोनों एक ही लेवल पर नजर आ रहे थे। तो ये देखने के बाद चेंग टैंग को मोटिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से तो टैंग अपने फायर मूव का यूज करते हुए उस बंदे पे इतना खतरनाक अटैक करता है कि जमीन पे स्लैश लग गए थे। ये देखकर तो ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फाइट काफी देर से चल रही थी और ये देखकर सब लोग ये सोच रहे थे कि लगता है कोई भी हारने या जीतने वाला नहीं है। लू को तो डाउट
होने लगता है कि पता नहीं टैंक को इतनी सारी स्किल्स आती भी है या नहीं। पर चैंग को टैंक पे पूरा भरोसा था। वो जानता था कि आखिर इसने अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट कर दी है, तो अगर उसे जीतना है तो उसे फाइट को ज्यादा देर तक खींचना नहीं चाहिए। तो अब उन दोनों की फाइट के बीच में चैंग उसे गाइड करने लगता है। इस बार फिर से सामने वाला ओपोनेंट उस पर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करता है और पीछे से चैंग उसे गाइड कर रहा था। चैंग की गाइडेंस का यूज करते हुए टैंक को फाइट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और इसके बाद टैंक अपना फाइनल अटैक करता है। वो उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंचकर उसके हाथ से उसके वेपन को गिरा देता है, जिसके बाद टैंक की जीत हो गई थी। टैंक की स्किल्स देखने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हेवनली एकेडमी का स्टूडेंट है। हेवनली एकेडमी के एल्डर भी ये देखकर अफसोस कर रहे होते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा स्टूडेंट गवा दिया। इसके बाद वो हांशी की टीम से एक और लड़का फाइट के लिए आगे आता है, जिसे लू चैलेंज करने वाली थी। यहाँ दोनों के दोनों टीम लीडर अपने टीम के बंदों को पीछे से गाइड कर रहे थे। और जैसा कि हमें पता है कि चैंग के गाइडेंस में हमारी लू कितनी ज्यादा स्ट्रांग अटैक करने लगती है, तो यहाँ भी वो वैसा ही कर रही थी। पर सामने वाला पर्सन भी कुछ कम नहीं था। एल्डर्स ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि यहाँ पर दो स्टूडेंट की नहीं बल्कि दो मास्टर्स की फाइट हो रही है, क्योंकि टेक्निक तो बस मास्टर बता रहे थे और स्टूडेंट्स तो बस उसे फॉलो कर रहे थे। एल्डर्स को लग रहा था कि पक्का इस राउंड में हांशी जीतने वाला है, क्योंकि उसकी स्वॉर्डमैनशिप की नॉलेज काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ चैंग लू को फुटवर्क टेक्निक का यूज करने को कहता है, जिसे यूज करने के बाद वो उसे इजिली हराने वाली थी। इसके बाद चैंग उसे 13 रिटर्न टेक्निक का यूज करने को कहता है, पर लू ऐसा नहीं कर पाती, जिस वजह से वो बंदा बच गया था। तो चैंग के पूछने पर कि उसने इस टेक्निक का यूज नहीं किया, लू हंस के कहती है कि उसे याद नहीं रहा कि इसका यूज कैसे करते हैं। ये सुन के तो सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि प्रिंसेस को टेक्निक याद नहीं रहती। दूसरी तरफ चैंग की टेक्निक्स को लेकर नॉलेज देखने के बाद हांशी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि चैंग को इतनी ज्यादा नॉलेज होगी। पर इसके थोड़ी देर बाद फिर से उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जहां अब की बार फाइट करते हुए लू अपने ओपोनेंट के सर पे बंधे हुए रिबन को काट देती है। अब ऐसा करने की वजह से लू ने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया था। लू की स्किल्स और टेक्निक्स देखने के बाद सबको पता लग जाता है कि चैंग भी कम पावरफुल नहीं है। वैसे अब चैंग की टीम पूरी तरीके से जीत गई थी, तो ये देखकर टैंग काफी ज्यादा खुश होने लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ हांशी का टीम मेंबर ये कहकर लू को चिढ़ाने लगता है कि उसने ट्रिक किया, पर लू तो उसे अपनी स्किल्स देखकर इतनी बुरी तरीके से डरा देती है। इसके बाद तो वो अच्छे तरीके से समझ जाता है कि लू कल्टीवेशन में उससे अपर लेवल पर है। पर हांशी का कहना था कि टीम जीतने का मतलब ये नहीं है कि चैंग को उसकी बहन से शादी करने का परमिशन मिल गया हो। पर जैसा कि हमें पता है कि मिस शू ने अपने पंछी को एक लेटर लेकर भेजा था, वो पंछी उन तक पहुंच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सभी स्टूडेंट मौजूद थे। दूसरी तरफ सैनजुन की फैमिली वहां से जा रही थी, क्योंकि अब कंपटीशन खत्म हो चुका है और उनकी शादी तो होने वाली है नहीं, तो वो वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर तो चैंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। साथ ही वो अपने स्टूडेंट को कहता है कि अपना खाना खत्म करने के बाद उन्हें साल के आखिर में होने वाले ग्रैंड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सुनने के बाद लू तो रेडी हो जाती है कि जो मास्टर कहेंगे वो करूंगी, और वहीं श्वान रेडी हो जाता है ये कहते हुए कि जो प्रिंसेस करेगी वो मैं करूंगा, और टैंग तो अपने मन का मौजी था। वैसे हमें फ्लैशबैक से लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे मिस शू के लेटर में क्या लिखा था। उस पक्षी को देखने के बाद सबको पता लग गया था कि मिस शू ने एक लेटर भेजा है। चैंग जैसे ही उस लेटर को पकड़ता है, वो मिस शू में कन्वर्ट हो गया था। असल में ये तो मिस शू की एनर्जी थी जो कि सबको अपना मैसेज सुना रही थी। यहाँ मिस शू सभी एल्डर को ग्रीट करते हुए यही कहती है कि उन्होंने उसके फ्यूचर के बारे में सोचा, ये तो अच्छी बात है, पर उसे शेनजुन से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने शेनजुन को कभी उस नजर से देखा ही नहीं। वो तो हमेशा से उसे अपने बड़े भाई के तौर पे देखते आई है। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। यहाँ मिस शू सबको ये भी बताती है कि वो चैंग के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि वो इस सगाई को आगे बढ़ाकर शादी में कन्वर्ट करना चाहती है। मतलब उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। और ये बोलने के बाद उसका इल्यूजन वहाँ से खत्म हो जाता है। अपनी बेटी का ये फैसला देखने के बाद डिवाइन जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे चैंग काफी ज्यादा खुश था। और इसी के साथ इस सीजन की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट सीजन के लिए लिखो नेक्स्ट सीजन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।